जो हमसे टकराएगा। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें हरियाणा के झज्जर की हैं। धरने पर बैठे ये लोग नागरिक अस्पताल के फार्मासिस्ट हैं। ये पिछले 9 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। फार्मासिस्टों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारा जो कैडर था वो एक डॉक्टर के बाद सेकंड कैडर था, इनको मेडिकल ऑफिसर कहते थे, हमारे को जूनियर मेडिकल ऑफिसर कहते थे। जूनियर मेडिकल ऑफिसर को तो बिल्कुल क्लास 4 पे ला दिया और जो उनके जूनियर्स थे उनको ऊपर लगा दिया गया। ये हमारी बेसिकली डिमांड है। पहले हमारे से नर्सिस निकले, फिर डेंटल सर्जन आगे निकले और अब और भाई भी अच्छी बात है, निकलना चाहिए आगे। पर बीच वाली कैटेगरी जो बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहते हैं, फार्मेसिस्ट बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो क्लास 4 से लेकर डॉक्टर और सर्जन तक का काम करता है, पर फिर भी उसकी कोई वृद्धि नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। वही अंग्रेजों वाले काले कानून में सिपाही भर्ती है, सिपाही रिटायर है, उसके बारे में कभी आज तक कभी नहीं सोचेगा। फार्मासिस्टों की हड़ताल का असर मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि फार्मासिस्टों की मांगे कब पूरी होती हैं, या फिर उनका धरना यूं ही जारी रहता है और मरीजों का हाल यूं ही बेहाल। R9 TV के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।